बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शायद किचन 2020 में मैं हूँ शाजिया खान। आज मैं जो आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार है, और मेरे रिलेटिव में मैंने जिसको भी खिलाया है वो हमेशा मुझसे फरमाइश करते रहते हैं, और उन्होंने ख़ुद भी सीखा है और वो भी ख़ुद भी बनाते हैं। तो ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। जो लोग बैगन शौक से नहीं खाते हैं वो तो इसके दीवाने हो जाएंगे अगर एक दफ़ा भी ये टेस्ट कर लें। मेरे हस्बैंड बैगन बिल्कुल नहीं खाते थे, और जब से मैंने उन्हें ये बैगन खिलाया है वो भी हर वीक एक दफ़ा लाजमी फरमाइश करते हैं कि आज मेरे लिए दही वाला बैगन बना दो। तो चलें स्टार्ट करते हैं दही वाले बैगन। आज की मज़ेदार मेरी दही वाले बैगन की रेसिपी के लिए जो अज्जा दरकार हैं उसे नोट कर लें। इसके लिए हमें चाहिए 2 बड़े साइज़ के बैगन, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके टिश्यू पेपर से इसके पानी को ड्राई कर लिया है, यानी ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसके अलावा इसके लिए जो हमें मसाले दरकार हैं वो नोट कर लें। चॉप किए हुए अनियन है, एक बड़े दरमियानी साइज़ का मैंने अनियन को अंडे में जिस तरह डालते हैं उस तरह मैंने इसे चॉप कर लिया है। इसके अलावा हमें जो मसाले में चीज़ें चाहिए, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और गरम मसाला पाउडर ये 1/2 से भी कम लेंगे, 1/4 टीस्पून लेंगे। इसके अलावा साबुत ज़ीरा है, और मैंने ये ज़ीरे जो है इसे भूनकर इसे बारीक पीस भी लिया है, तो हमें ये भी दरकार होगा 1 टीस्पून। इसके अलावा नमक चाहिए होगा। तड़के में हमें 3 चीज़ें चाहिए होंगी, ज़ीरा, सूखी हुई लाल मिर्च और ये तिल, ब्लैक तिल, तो इससे हम बघार लगाएंगे। इसके अलावा इस रेसिपी की जो जान है वो दही है, और दही जो हमें दरकार होगी वो 1/2 किलो चाहिए होगी। इसे हम अच्छे से बीट कर लेंगे, 1/2 किलो दही को अच्छे से फेंट लेंगे। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टीस्पून, और बैगन को फ्राई करने के लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा तेल। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने दही वाले बैगन की रेसिपी को। बैगन के लिए मैं आपको बता दूं, किसी भी किस्म का बैगन आप ले सकते हैं, लंबे, आड़े, तिरछे, छोटे, लाटे, फूटे, जो भी आपको अवेलेबल हो वो बैगन आप ले सकते हैं। और उस बैगन को लेकर आपने इतने मोटे साइज़ में पीसेस कट करने हैं। दही मैंने सारे काट लिए हैं, इसकी मोटाई आप तो देख लें इतनी ही रखनी है, क्योंकि ये फ्राई होकर बिल्कुल पतले हो जाते हैं। तो इसमें अब हमें क्या करना है, इसमें हमने 1 चम्मच से ज़्यादा जो है हल्दी पाउडर वो शामिल करना है, और नमक हसबे ज़ायका, इसको डालकर हम 15 मिनट के लिए मैरिनेट कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारी जो ये बैगन है इसके अंदर हल्दी और नमक का फ्लेवर ऑब्जर्व हो जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे अभी 2 फ्राई पैन एक साथ चढ़ा दिए ताकि हमारी जो रेसिपी है वो झटपट तैयार हो जाए। तो हम एक फ्राई पैन में बैगन को फ्राई करेंगे और दूसरे फ्राई पैन पे मसाला रेडी करेंगे दही वाले बैगन के लिए। तो हमें जो बैगन फ्राई करने के लिए ऑयल चाहिए, इतना ऑयल ले लेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून है ये। हम इसमें जो हमने अपने बैगन को 15 मिनट के लिए हल्दी और नमक लगाकर रख दिया था वो इसमें फ्राई करेंगे, और बैगन को इतना फ्राई करना है कि 90% बैगन तैयार हो जाए, यानी 90% बैगन गल जाए। बैगन फ्राई हो रहा है, इस तरफ जो अभी हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, इधर भी 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल ले लेंगे। फ्राई पैन में ऑयल गर्म हो गया है, अब हमने जो ये चॉप अनियन थे इसे हम डाल देंगे, दरमियानी साइज की अनियन को। इसे हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सौते करना है। फिर उसके बाद इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। फ्राई हो रहे हैं, मैंने इसे पलट दिया है, थोड़ी देर बाद इसे दोबारा पलटूंगी।
ताकि नॉर्मल एक जैसा कलर आ जाए, जले नहीं। अनियन भी जो है सौते हो गए हैं, मैं इसमें अब शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून एक टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और मुसलसल इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे भूनते रहेंगे ताकि जो हमारा अनियन है और जो भी है सारा अच्छे तरीके से भून जाए। थोड़ा पानी डालेंगे, फिर उसके बाद इसे भून के कुछ कर लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा पानी डालेंगे। इस तरह ये प्रोसेस 3 से 4 दफ़ा करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है बहुत अच्छे से भुन जाए और इसके जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो हम इसे भून लेंगे, हर थोड़े देर बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके भूनना शुरू कर देंगे। जो गाय जाएगा तो मत पानी ऐड कर लें और दूसरी तरफ हमारा ये बैगन भी चेक करते रहेंगे जल ना जाए, फिर फ्राई करते रहेंगे। ये फ्राई हो गए हैं, अब हम इसी तरह दूसरा वाला भी सारे बैगन फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मसाला तकरीबन भुन चुका है और सारी चीज़ें गल चुकी हैं अनियन वगैरह। अभी इस मरहले पे हम इसमें शामिल करेंगे जीरा जो हमने भून के पीस लिया था, हाफ टी स्पून वो शामिल करेंगे। उसके अलावा नमक हम अब इसमें ऐड करेंगे हजम ज़रूरत जितनी हमें ज़रूरत हो, और इसके साथ मजीद हम इसमें शामिल करेंगे दही। हम शामिल करेंगे 3 टीस्पून दही, और फिर इसे मजीद करेंगे। अब तक मैंने उसमें 3 टीस्पून दही ऐड किया है, बाकी जो हमारी रिमेनिंग दही है उसे हम आकर में इस्तेमाल करेंगे, तो अच्छे तरीके से भूनते रहेंगे। इधर मेरे ये बैगन सारे फ्राई करके रेडी कर लिए हैं और दूसरी तरफ मेरा ये जो मसाला है वो भी बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसे करना ये है कि ये जो बैगन के स्लाइसेस हमने फ्राई किए हैं एक एक पे हम ये मसाले को अच्छे तरीके से कोटिंग करेंगे। ओके, कुछ देर के लिए ढक के पकाएंगे ताकि ये जो मसाला है ये भी इस पर ऑब्जर्व कर लें। ये देखिए मैंने बैगन को अच्छी तरीके से कोटिंग कर दिया है और फ्राई करते हुए हमने 90% से बैगन को फ्राई करते हुए गला लिया था। अब जो वो 10% रह गया है वो अब हम थोड़ी देर ढक कर इसे गला लेंगे। इस मरहले में हमें करना ये है कि एक लेयर बैगन के जो हमने ये मैरिनेट किए थे मसाले में उसे बिछा कर और ये अच्छे तरीके से फेटी हुई दही है इसको शामिल करके इस पे जिस तरह तह बैठाते हैं उस तरह तह बैठाएंगे, दही शामिल करेंगे और बैगन के पीसेस रखेंगे और उसके बाद फिर हम दूसरी तह बैठाएंगे, इसी तरह तीसरी तह बैठाएंगे, जितने भी होंगे वन बाय वन पूरे बिछा के ऊपर से दही को शामिल कर देंगे।
ये मैं दूसरी तह बैठा रही हूँ। मसाला भी जो है वो इसके साथ डालना है क्योंकि उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा मसाले के साथ, दही का फ्लेवर जो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सी। ये मेरे को मैं अभी से मुंह में पानी आ रहा है, मुझे ये बहुत पसंद है, हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। दही देखें गाढ़ी रहनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए, पतली होगी तो फिर क्रीमी सा मज़ा नहीं आएगा इसमें। ये देखें बैंगन के सारे तह मैंने बैठा लिए है, दही और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब सिर्फ लास्ट स्टेप हमें करना ये है कि हमें एक फ्राई पैन को गरम करना है और तड़के की तैयारी करनी है। तड़के में अपने हिसाब से तेल ज़्यादा नहीं लेना है, नॉर्मल रहे तेल, क्योंकि इसमें इतने तेल की ज़रूरत नहीं होती है। बैगन ऑलरेडी फ्राई करके और मसाले हैं उनका तेल हम इस्तेमाल कर चुके हैं। अब हम इसमें हम शामिल करेंगे लाल मिर्च, जितना आपको पसंद हो उसमें क्वालिटी के हिसाब से तेज मिर्च खाते हैं ज़्यादा ही कर लें, तेल बहुत अच्छा नहीं लगता है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ब्लैक तिल, ब्लैक तिल भी आप जितना चाहें जीरा इसमें शामिल करेंगे। हमारी बघार तैयार हो गई है, ये हम ये बघार लगा लेते हैं उसको। सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्ती दही वाले बैंगन बिल्कुल रेडी है। मज़ेदार से दही वाले बैंगन बिल्कुल रेडी है, तड़का भी लगा दिया है। अब गार्निशिंग के लिए हम थोड़े से हरे पत्ते धनिया के वो इस्तेमाल करेंगे ताकि ये और ख़ूबसूरत इसका लुक आए। खाने का जायका उसकी शक्ल देखकर पता चलता है, हम देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और जितना ये खूबसूरत लग रहा है खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। तो इंजॉय कीजिए इसे, आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, सादी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, तिल वाले नान के साथ भी खा सकते हैं। तो इंजॉय करें गर्मा गर्म चपाती के साथ और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और बनाइएगा ज़रूर। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।